बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की। अंबानी परिवार पिछले कुछ दिनों से लगातार मंदिरों के दर्शन करने में जुटा हुआ है और दर्शन का ये सिलसिला मुंबई के लालबाग के राजा से शुरू हुआ था और केरल तक चला गया है। श्रीनाथ जी से लेकर तिरुमाला के मंदिर में मुकेश अंबानी और उनका परिवार दर्शन करने पहुंचा। क्यों खास है उनकी ये मंदिर यात्रा, आइए देखते हैं। भगवान के दर पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सभी अपनी आस्था के साथ यहाँ सर झुकाते हैं। आम लोग भी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और खास भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ आजकल मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में मत्था टेकने से हुई। बप्पा के विसर्जन से पहले मुकेश अंबानी बप्पा के दर पर पहुंचे। इस दौरान मुकेश अंबानी के साथ उनके बेटे भी नजर आए। इसके बाद मंदिर की यात्रा राजस्थान के श्रीनाथ जी के द्वार पहुंची। हाथ में प्रसाद की डलिया लिए, माथे पर चमकती पट्टी लगाए मुकेश अंबानी श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मुकेश अंबानी के साथ उनकी बहू राधिका मर्चेंट ने भी श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि अंबानी परिवार की श्रीनाथ जी में बड़ी आस्था है। उद्योगपति मुकेश अंबानी कोई भी बड़ा फैसला करने या फिर शुभ कार्य करने से पहले राजस्थान के इस मंदिर में जरूर आते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर राजस्थान जिले में है। श्रीनाथ जी को वैष्णव संप्रदाय का इष्ट देव माना जाता है। राजस्थान और गुजरात के लोगों की इसमें सबसे ज्यादा आस्था है। श्रीनाथ जी मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां और उद्योगपति श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। श्रीनाथ जी के बाद मुकेश अंबानी तिरुमल्ला मंदिर पहुंचे। इस दौरान अंबानी परिवार ने भगवान वेंकटेश्वर के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने मंदिर को 1.5 करोड़ रुपए दान में दिए। तिरुमाला मंदिर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मंदिर यात्रा शनिवार को केरल के गुरुवायूर पहुंची। यहां अंबानी परिवार ने श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और इस बार मुकेश अंबानी ने मंदिर को 1.51 करोड़ रुपए दान में दिए। इस दौरान भी मुकेश अंबानी के साथ उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट नजर आई। अंबानी परिवार के चढ़ावे के बाद मंदिर प्रशासन का कहना है कि किसी भी भक्त द्वारा मंदिर में दी गई अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। ये पहली बार नहीं है कि जब मुकेश अंबानी करोड़ों का दान करके आए हों। इससे पहले भी कई बार अंबानी परिवार करोड़ों का दान करता आया है। मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ तेजी से बढ़ भी रही है और अब अंबानी जल्दी ही 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक मुकेश अंबानी जल्द ही देश के लोगों को 5G का तोहफा देने जाने वाले हैं। ऐसे में ये माना जाता है हिंदुस्तान में कि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति बाप्पा की और भगवान की पूजा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में 5G जल्द ही लॉन्च किया जाएगा देशवासियों के लिए। उसी में मुकेश अंबानी लगातार भारत के अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं गणपति चतुर्थी थी, उस समय गणेश बप्पा के दर्शन के लिए अंबानी और उनका पूरा परिवार जो है वो पहुंचा था लालबाग के राजा। लालबाग के राजा के बाद केरला पहुंचे, केरला के बाद राजस्थान पहुंचे और ऐसे ही इसी हफ्ते में अलग अलग मंदिरों के दर्शन जो है वो मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने किए हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक माने जाने वाला 5G अब बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा और लॉन्च से पहले लगातार मुकेश अंबानी और उनका परिवार इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए भारत के अलग अलग मंदिरों में घूम रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से। कैमरामैन राजेश रेवनकर के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे।